हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा कॉलर आईडी है तो कॉलर आईडी ऑप्शंस को कैसे इनेबल करके अपने स्पैम कॉल्स वगैरह को आप कैसे रोक सकते हैं अपने कॉलर आईडी को इनेबल करके। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो जो हमारा फ़ोन में फ़ोन है रेडमी नोट 12 5G, तो उसमें आप कैसे कॉलर आईडी को इनेबल कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जो फ़ोन के आइकन्स हैं हमारे फ़ोन में कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं। तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही वाला आइकन्स ओपन आएंगे, फिर आपको इसमें से जाना होगा फ़ोन आइकन्स पे। तो क्लिक करते ही फ़ोन आइकन सेटिंग्स से हमारे फ़ोन में कुछ इस तरीके से ओपन आएगी। तो कॉलर आईडी को कैसे इनेबल करके यूज़ कर सकते हैं, जो भी स्पैम कॉल्स वगैरह होते हैं उसको आप कैसे रोक सकते हैं। सिंपली जैसे देख सकते हैं कि आपको जाना है थ्री डॉट, तो थ्री डॉट सेटिंग्स को आपको ओपन कर लेना है कुछ इस तरीके से। फिर आपको सेटिंग्स आइकन को भी ओपन कर लेना है। ओपन करती सेटिंग्स कॉलिंग सेटिंग्स ओपन आएगी, फिर आपके पास ऑप्शन था कॉलर आईडी स्पैम सेटिंग्स। तो कॉलर आईडी स्पैम सेटिंग्स पे जाना है। जब आप इसमें शो हो रहा है सी कॉलर एंड स्पैम आईडी, तो यहाँ से नंबर जो भी स्पैम नंबर्स होंगे कॉलर आईडी के जरिए हमारे फ़ोन में पता चल जाएगा कि जो हमारा स्पैम नंबर है। तो इस तरीके से फिल्टर स्पैम कॉल्स को आप एक फिल्टर यानी उसको आप सही से चेक भी कर सकते हैं कॉलर आईडी की मदद से, और इसका पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको इनेबल कर सकते हैं, और डिसेबल करना चाहें डिसेबल भी आप कर पाएंगे, जिसका आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। जब हम इसको इनेबल करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं और कॉलर आईडी का यूज़ कर सकते हैं। जब आपने फोन आप जब आपके फ़ोन में या हमारे फ़ोन में कोई भी कॉल आता है तो कॉलर आईडी के जरिए आप स्पैम कॉल्स को रोक सकते हैं और अननोन नंबर्स को भी आप रोक पाएंगे। तो इस तरीके से आप कॉलर आईडी को इनेबल करके यूज़ कर सकते हैं अपने रेडमी नोट 12 Pro 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें।